ऐसा खेलकूद फिएस्टा 2024 के अंतर्गत एथलीट मीट एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन प्रिलूड पब्लिक स्कूल आगरा में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें अफसा से संबंध 35 विद्यालयों के 468 खिलाड़ियों ने जोश के साथ प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए टिम्पी महेंद्र, रूपाली शर्मा, अरसला नदीम तथा शिवानी ने मुख्य अतिथि राजकुमार सागवान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वर्ल्ड रैंक 4 एशियन गोल्ड मेडलिस्ट पूर्व हेवी बेस्ट बॉक्सर गीता सागवान, अफसा के पदाधिकारीगण एवं सदस्यों, शिक्षकों तथा क्रीड़ांगण में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत किया। एथलेटिक मीट का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। मुख्य अतिथि तथा अफसा के पदाधिकारियों के द्वारा ऊर्जा तथा स्फूर्ति की प्रतीकात्मक मशाल प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की विधिवत घोषणा की गयी। तत्पश्चात प्रभारी क्रीड़ा शिक्षक अफसा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता की खेलों में प्रतिभा करने से छात्रों के अंदर नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा भावना तथा आपसी सद्भाव का विकास होता है। अफसा स्पोर्ट्स फी एटसा को कोऑर्डिनेटर त्रिलोक सिंह राणा ने अफसा स्पोर्ट्स फीएस्टा की आख्या का वर्णन किया। 17 खेल प्रतियोगिता में 20 विद्यालयों में 36 श्रेणियों तथा 140 उप श्रेणियों में आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 6000 बच्चों ने भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोह में समस्त प्रतिभागियों ने विजेता प्रतिभागियों को लगभग 150 स्वर्ण रजत तथा कांस्य पदक तथा 150 ट्रॉफियां देकर पुरस्कृत किया गया। बहुत अच्छा, देखो मैं तो पहली बार आगरा आया हूं और इससे का जो एक प्लेटफॉर्म है, 6000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़ी बात है। तो जितने हमारे बच्चे, जितनी एनर्जी मैंने यहाँ आके अब देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में यूपी हरियाणा से कहीं पीछे रहेगा। हम बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश और खान पान में, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। स्पोर्ट्स की कुछ कमियाँ रही हैं ज़रूर, लेकिन अगर ऐसे आयोजन होते हैं जैसे अफसा ने किए हैं, ऐसे आयोजन से मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में यहाँ से बहुत अच्छे इंटरनेशनल बच्चे निकलेंगे। खेल को लेकर सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पुराने समय में इक्का दुक्का प्लेयर बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे रहे हैं। गिरधर शर्मा, सचिव हूँ अफसा का और सेंट एंड्रयूज ग्रुप ऑफ स्कूल्स को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अफसा का जो प्रयास था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये आज फलता फूलता लग रहा है। हम लोगों ने पहले कल्चरल और लिटरेरी फिएस्टा ऑर्गेनाइज किया, उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया, और ये स्पोर्ट्स फिएस्टा जो 16 को शुरू हुआ था, आज उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। लगभग 1500-1600 प्राइज हम लोग देने जा रहे हैं, और कई कैटेगरीज में 40 स्कूलों ने ये ऑर्गेनाइज कराया है अपने इवेंट्स को। तो बहुत खुशी की बात है कि बच्चे उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं, और अगर स्वस्थ शरीर बच्चों का बनता है और उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस उम्र से पनपती है, तो निश्चित रूप से हम एक स्वस्थ समाज को देने जा रहे हैं, एक हेल्दी सिटीजन बनाने जा रहे हैं, और ये बच्चे भविष्य में भी अपने लक्ष्यों को साध सकेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सभी प्रतिभागियों को और विजेताओं को आशीर्वाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। आज अफसा का कल्चरल लिटरेरी और स्पोर्ट्स के फिएस्टा का लास्ट दिन है, जिस दिन आज हम स्पोर्ट्स के प्राइजेस बांट रहे हैं, और बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि राजकुमार सागवान जी जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, आज बच्चों को मोटिवेट करने आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने बड़े लेवल पर बच्चों का और सबका ध्यान रखता है, टीचर्स का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत